Right, another woman with us from the BJP. Finally, finally, Mr. Ajit Chauhan. Ajit Chauhan Saab, Namaskar. Sir, Namaskar. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. Jai Shri Ram, sir. तो आपको मुबारकबाद हो, तीसरी बार सरकार बन रही है आपकी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ, लेकिन अभी फिक्र करने की बात यह है कि 273 सीट नहीं आई। सीधी बात है कि भाई मेजोरिटी नहीं आई। अब क्यों नहीं आई इसके पीछे तो आप लोग अपना विश्लेषण करेंगे वगैरह वगैरह, वो तो करेंगे ही, लेकिन अभी आगे क्या सर, आगे क्या जो प्रोसेस है वो आगे कैसे चलेगा? क्योंकि आदरणीय सम्माननीय शरद पवार जी ने सुनने में ये आया है, बात करनी शुरू कर दी है चंद्रबाबू नायडू जी से और नीतीश कुमार जी से, इसको आप कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, इस विषय के बारे में जरा विश्लेषण दें और रोशनी डालें। अजीत चौहान साहब, सर भारत की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इस तरीके का जनादेश हमें दिया है, एनडीए को दिया है। मैं हमेशा से मानता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण आपने सुना होगा, अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम लगातार संपर्क में है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में, जहाँ से हमारे अभी भी कुछ लास्ट राउंड्स के काउंटिंग चल रहे हैं। तो मैंने जैसे सुना वैसे आपने भी सुना होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, बजाज सर आप मुझे एक बात बताइए कि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी दिग्गज जीत हासिल की है। अब जब हम बंगाल में 3 से 77 पे जाते हैं तो नेशनल मीडिया ये कहती है कि हम हार गए, पर हमारा कोई वजूद नहीं था, वहां पे हम इतनी बड़ी पैमाने पर हम सीट्स ले आए। उसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि कुछ 1-2-3 स्टेट्स में कुछ अलग संभावनाएं मतदाताओं में होने की वजह से हमारे कुछ सीट्स कम हो गए होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 240 के करीब सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से चुनकर के आई है, तीसरी बार चुनकर के आई है। और मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कि ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। एंटी इनकम्बेंसी इस देश में होती थी, प्रो इनकम्बेंसी मोदी जी के लिए देखी गई है। तीसरी बार लगातार एनडीए को भारत के नागरिकों ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। और कुछ स्टेट्स में, जिस स्टेट से मैं आता हूँ वो मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ कि जिस मराठा आरक्षण को लेकर के ये कहा था भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, मैं खुद मराठा समाज से आता हूँ और मेरे पूरे मराठा समाज का मैं बेहद दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 49% वोट्स मराठा समाज ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, 6% वोट शेयर मेरी माता भगिनियों का बढ़ा है और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने मराठा आरक्षण। अजीत चौहान साहब, मगर आपका सबसे बड़ा थ्रेट है कि एमवीए, अनडिवाइडेड एमवीए आपको थ्रेट था ही, आपने एमवीए को डिवाइड कर दिया, शरद पवार जी को डिवाइड कर दिया, उद्धव ठाकरे जी को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद भी वो थ्रेट गया नहीं, ये चिंता का विषय है। दिस कोड नो यू कुड ओनली टेक 48 में से 18 आप दे पाए, 30 उन लोग ले गए एमवीए, डिवाइडेड एमवीए। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में ये वोट शेयर जो एमवीए का उन्होंने किया, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी एंड दी कांग्रेस, अजीत चौहान जी अभी भी आपको थ्रेट है, इस थ्रेट को आप नकार नहीं सकते, उसको समझना पड़ेगा आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इज कंसर्न। वकील साहब, मैं आपके इस प्रश्न का बड़ा आदर करते हुए, बिल्कुल कोई भी इसमें संदेह मेरे मन में नहीं है और मैं बिल्कुल सही शब्दों का चयन करते हुए इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये थ्रेट हमें नहीं है, ये थ्रेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, ये राष्ट्रवादी विचारों को थ्रेट है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी की जीत जिस तरीके से एकजुट होकर इस प्रदेश के मुस्लिम समाज ने
उनको जिताने के लिए वोटिंग किया। बालासाहेब ठाकरे के विचारों से परे होकर के उद्धव ठाकरे जी ने जो प्रचार किया, उनकी रैली में अल्लाह अकबर के नारे लगे, उनको चांद सितारे वाला हरा झंडा अपनी रैली में फहराना पड़ा। अगर ऐसी जीत उद्धव ठाकरे जी अगर जीतते हैं तो ऐसी जीत उनको मुबारक। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, बलिदान शहीदी पे विश्वास रखने वाले लोग हैं और हिंदुत्व पे श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले लोग हैं। और आपके माध्यम से आभार प्रदर्शित करते हुए एक चीज का सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि जो लोग अपनी फैमिली को लेकर फॉरेन ट्रिप्स पे गए थे, जिन लोगों ने वोटिंग नहीं किया, जो लोग इलेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिन लोगों ने कहा कि हमारी एक सीट गिर जाएगी तो क्या हुआ, मोदी जी तो 400 सीटें लेकर के आने वाले हैं। इन सब लोगों को मैं ये कह दूंगा कि आने वाले इलेक्शंस में ये सवाल पूछने की नैतिकता आप में नहीं रहेगी, क्योंकि इस इलेक्शंस में आपने वोट नहीं किया है। तो मेरे सारे बहन भाइयों को, सर उसमें आपकी गलती है, सर उसमें गलती आपकी है, आपकी गलती है। अजीत चौहान साहब, मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ, आपकी गलती है। जी, आपने हर जगह पे ये माहौल बना दिया, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, तो सबको लगा यार हमारी क्या जरूरत है, हम चलते हैं, मोदी जी तो वैसे भी जीत रहे हैं हमारे बिना। अगर आप ये कहते कि भैया तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते, यहां रहो, हम लोगों ने कोशिश की, सर मैं तो सबके सामने बोल रहा हूं, आप लोगों ने हर जगह के दिया आएगा तो मोदी, इस बार 400 पार, कहते यार वैसे भी 400 आ रही है, हमारी क्या जरूरत है, छुट्टी पे चले गए लोग। सर मैं आपको बता रहा हूं, जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं गया हूं वहां पर देखा है सिर्फ 50% वोटिंग हुई है। मैंने कहा बाकी सब लोग कहां हैं, कहते साहब गर्मी है, गए सब लोग। अजीत चौहान साहब, सर आज का दिन जीत का दिन है, उसी तरीके से आत्म परीक्षण करने का दिन है। मुझे लगता है कि हमेशा जिसकी गुणवत्ता अधिक होती है वो जीतने के बाद भी आत्म परीक्षण करता है। हम आज जीते हैं और जीतने के बाद फिर से हम आत्म परीक्षण कर रहे हैं। हमने जितने बलिदान दिए, हम देश के टुकड़े होने दिए, हम पर अत्याचार होने दिए, ये केवल और केवल इस बात के लिए हुआ था क्योंकि हम संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। ये बात मैं हिंदुओं के लिए कर रहा हूं। और आपको ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला था, आपको एक ऐसा नेता मिला था कि जिस नेता ने और जिस प्रधानमंत्री ने आपको दिल खोल करके कहा कि आप बस मेरे पीछे ताकत के साथ खड़े रहो, मैं आपको देश में बदलाव लाऊंगा, और सिर्फ वो किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए लाऊंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो कर करके दिखाया था। मुझे लगता है मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। अब भी तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जो वादे, जो 100 डेज का प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो हम जरूर करेंगे। और कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे ये कह दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार वाले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हम कुछ भी नहीं थे और हम इस देश की सेवा करने वाले सबसे ताकतवर कार्यकर्ता बन गए। हम क्यों बने? क्योंकि हम जीत से डरते नहीं, हार से डरते नहीं, और जीत से नशा हमारे जवान साहब, यू नो मोदी साहब इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पार्टी, अचीवमेंट्स है वो अनपैरेलल्ड है। आर्टिकल 370 इम्पॉसिबल, किसी ने इंडिपेंडेंस आज तक नहीं किया। फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी जो आप कह रहे, डिजिटल रेवोल्यूशन, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ये पूरे पहले देश में किसी ने जिस प्रकार से देखा नहीं, रफ्तार और तेजी से किया। और फिर आगे जाके यू नो राम टेम्पल, इट्स अ ग्रेट थिंग। 500 साल के बाद वही जो प्राइड है वो अपने उसने फिर पुनर्निर्माण कर दिया। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वन रैंक वन पेंशन, तो ये सब इट इज अनबिलीवेबल फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर इन द लिमिटेड पीरियड मोदी साहब ने जो अचीव किया इंडिपेंडेंट इंडिया। Nobody can, you know, deny the very fact that it's an achievement in itself. But Chauhan sir, फिर भी how इतना सब achieve करने के बाद भी how is the BJP short of majority? ये चिंता का विषय बन गया है, because he's one of the best performing prime minister of independent India, Chauhan sir. Sir, मेरे प्रदेश के लिए थोड़ा सा विश्लेषण में अधिक सटीक तरीके से अगर करूं तो हम बड़े ऐसे लोग हैं कि
राष्ट्र धर्म से अधिक जाति पे प्रेम करने वाले लोग शायद यहाँ पर है। और दूसरी बात ये मैं कह दूं कि कुछ भी हो जाए, चाहे देश का नुकसान हो जाए, हमारा पॉलिटिकल उल्लू सीधा होना चाहिए। इस तरीके से लोगों में संभ्रम फैलाने वाले लोग बड़ी संख्या में है और पॉलिटिकली संभ्रम फैलाने में वो यशस्वी होते हैं। हम छल कपट की राजनीति करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, हम बस काम करते हैं, गुणवत्ता के आधार पर लोगों के पास वोटिंग मांगने जाते हैं और हमारी गुणवत्ता पर हम कहते हैं कि आप हमें परखें और हमें वोट करें। पर शायद से मुझे यह लगता है हम जीते हैं। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, पर कुछ जो कमियां रह जाती है किसी चीज़ में, वो मुझे लगता है कि ये कमियां ना तैयारी की थी, ना ये कमियां अनुशासन की थी, ना ये कमियां पार्टी की ओर से थी। मुझे लगता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों का निग्लिजेंस हम जो कर देते हैं और हम ये सोचते हैं और ये जी। इस मानसिकता के साथ हम जीते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। लेकिन सर वो एक चीज है, वो जो उस पर तो बात हो चुकी है, लेकिन एक दूसरी चीज भी है अजीत चौहान साहब, आप माने या ना माने, ये तो आपके दिल में भी बात आई होगी, मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूं, भले आप माने या ना माने। सर जब बाहर से आप लोग लाते हैं ना और उनको बीजेपी की टिकट दे देते हैं, तो अपना जो संघ का कार्यकर्ता है जिसने धूल मिट्टी खून पसीना एक करके सर्दी में गर्मी में बारिश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा उठा के लाठियां खा के दो सीट से लेकर के जो बेचारा 303 सीट तक लेकर के आया था, उसके दिल में क्या बीतती होगी। सर आपको भी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कार्यकर्ताओं को जरा ज्यादा अहमियत देनी होगी, मैं ये मान करके चलता हूँ। अब आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें जरूर कहें, ना कहना चाहें आपके ऊपर है, प्लीज। चौहान साहब, आई थॉट ही वॉज जस्ट बींग दिलीप कुमार इन फ्रंट ऑफ मी, I really thought that he was just being Dilip Kumar, that he would be very silent, that he would not answer the question. Statue pose. Yes, but the only thing is that if you look at Narashtra, I heard Mr. Ajit Chauhan's answer to your question, where he was talking about doing very well in Maharashtra. In Maharashtra, the situation remains the same, sir. 18 out of 48. Yes, so 30 seats are still there with the MBA. So where has the BJP done well? Last time the BJP got 23 seats. Bilkul. This time they have won 4. They are leading in 6 or 10 seats. That means they've had a loss of 13 seats, Pradeep ji. Totally. So where have they done well? I mean, that's a bit of a problem, right? The MBA vote share. Divided vote share of MBA is causing a problem. It's going to be still a problem in the coming election, jo bhi 4 mahine baad hai, October mein. Yes. Vidhan Sabha election jo hoga, if you don't solve this problem, the vote share, which is definitely more than the Mahayuti share, to usko aap jab tak aap counter nahi karoge, handle nahi karoge, you'll find another sweep by Sharad Pawar, Uddhav Thackeray and the Congress. Lekin sir, ek cheez hai, BJP ye to bol sakti hai, bade garv ke saath, छाती ठोक करके, प्रदीप जी आया तो मोदी ही, नहीं वो तो है ही, आया तो मोदी ही, आप जो मर्जी कह लीजिए, फॉर अ थर्ड टर्म फॉर द बीजेपी टू इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एग्री दे डिडंट गेट अ मेजॉरिटी दिस टाइम ऑन देयर ओन, बट इवन टू इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई थिंक इज अ ह्यूज अचीवमेंट इन इटसेल्फ। आफ्टर पंडित नेहरू इन 1962 नोबडी इज डन इट, नोबडी इज एवर डन इट, प्रदीप जी। सो किसी ने आज तक नहीं किया। दे आर सेलिब्रेटिंग इट, they are celebrating BJP headquarters. Yes, they should. Well, it's as they should for celebrations, Pradeep ji, as they should, because yes. Do remember there's an anti incumbency factor of 10 years. Exactly. 10 saal tak Modi ji, now Modi ji will have to reinvent himself, let's be very clear, he'll have to reinvent himself to figure out in what way is he going to approach the country. Now that's it.
But he has made his intentions very clear. Bole that the third time you're going to see infrastructure in a new high. You're going to see space work in the new high. You're going to see roadways in the new high. You're going to see the rail tracks, railways. So, I'm personally disappointed about one thing. I'm personally really and truly disappointed about the performance of the Aam Aadmi Party. I really expected the Aam Aadmi Party to do much, much better. दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट जीत गई है, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट. आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट द बीजेपी विनिंग 355 और 335 सीट्स. डिंट हैपन. आम आदमी पार्टी विनिंग अबाउट 3 to 4 सीट्स इन दिल्ली एंड अबाउट 10 सीट्स इन पंजाब. डिड नॉट हैपन. दे वन ओनली 3 सीट्स. दैट्स इट. आई मीन आई डोंट नो व्हाई आई गॉट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग ऑन बोथ काउंट्स. सो बट आई होप टू सी द आम आदमी पार्टी डू बेटर इन द डेज टू कम. Absolutely. I mean, Aam Aadmi Party has bought in a revolution where the poor is concerned. Yes. The poor, I see a great faith that there's somebody who's even thinking about us. Not only thinking about us, but implementing something about us. Doing something about us. Yes, doing something for us. Gareeb ke hospital kis prakar se hai, acche hai, bure hai. Gareeb ke hospital yani. Pradeep ji, gareeb ko kya chahiye? Bachchon ke liye school? Bilkul. Apne liye hospital ya mohalla clinic, jahan par usko, where he is not treated like an animal. वहां पर उसकी उसको रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ मिलती है, आ जाइए. और जहां पर उसके पैसे खर्च नहीं होते, सीधी सादी बात है. तीसरी चीज ट्रांसपोर्ट. महिलाओं के लिए जो ट्रांसपोर्ट शुरू किया आम आदमी पार्टी ने, दैट बाय द वे मॉडल वाज कॉपीड बाय एवरीबॉडी एल्स. आज की तारीख में, और जो 200 यूनिट फ्री दिए प्रदीप जी, आज की तारीख में किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है जिसमें यह नहीं होता है दैट वी आर गिविंग सो मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वी आर गिविंग दिस फ्री, वी आर गिविंग दैट फ्री. दिस वाज ऑल स्टार्टेड बाय केजरीवाल. So, पब्लिक स्कूल्स का बेटरमेंट सर, आई मीन जस्ट बिकॉज गरीब वहां जाते हैं, वो किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन है, टॉयलेट स्टिंकिंग, अनक्लीन, नो क्लीनलीनेस, द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज बीइंग इंपार्टेड वो ठीक नहीं था. दिस ऑल चेंज्ड आफ्टर आम आदमी पार्टी बॉट इन दिस काइंड ऑफ attention towards the public schools. That's right. World-class public schools, infrastructure, the kind of education, the kind of automation that is required, and the kind of aise nahi ki bina fan ke institute hai jaake baitho gareeb ka bachcha pad raha hai. Aise schools nahi hai, they are air-conditioned schools. Gareeb pad rahe to idhar aise fan ki zarurat nahi hai, kursi toota phuta. The thing changed. They gave, you know, pride in the people going to public schools, and people in Delhi, they say public schools are more preferred than private schools. That's right. This kind of attitude of the government. तो कहने का मतलब हुआ local with Kejriwal, national with Modi. कहने का मतलब ये हुआ. Yes, 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 yes. वही exactly हो. So let's go across to Mr. Chauhan. Chauhan साहब. Chauhan साहब, पता नहीं आप मेरा सवाल सुन पाए कि नहीं पाए. सवाल मेरा ये था कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी का जो लॉयल कार्यकर्ता है सर, उसको अहमियत देनी चाहिए ना. वो भी तो बेचारा, मतलब क्या है उसका दिल तोड़ने की क्या मतलब है सर. बाहर से लेकर के आ गया. मेरे अगर आप बोलते तो मैं नाम लेता हूं, अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा फिर गड़बड़ हो जाएगी. जैसे बहुत लोग हैं यहां पर आए, काय के लिए आए, किस 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 चीज के लिए आए, आपको भी पता है सर. अब आप बताएं, नाउ द फ्लोर इज योर्स. आप बताएं, जैसे भी आपको जवाब देना हो. सर, ये जो सवाल है इसका जवाब एक ही है कि हम मास से तो कोई कार्यकर्ता लाएंगे नहीं. जो अच्छे लोग हैं उनको हमारे साथ लेकर के हमारी कार्यकक्षा बढ़ाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने वाले कार्यकर्ताओं को पहले भारतीय जनता पार्टी के विचारों को मान्य करना होता है. और जिस तरीके की आपने सवाल किया बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए कि लाखों करोड़ों लोगों से जो चुनकर के आते हैं, कई संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विचारों को परकुलेट करना ये भी हमारा उद्देश्य है. और सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेते हुए सारे जाति धर्मों के. I think he's frozen again, is it? Yes, he is. I think there's a bit of a problem with the net. So in effect, Pradeep ji, for instance, the last I heard, were you able to check, Pradeep ji, were you able to check how's our friend Mr. Kripa Shankar Singh lost, doing? He's lost already? Yes. He's been declared? Has he not lost? Not declared, but he has got lost. The person was doing very well. He was trailing by about 78,000 votes. He was trailing by about 78,000 votes the last, time I checked. Yes. So, in any event, I think we more or less... We are more or less done with Mr. Ajit Chauhan. I